हेलो एंड वेलकम एमएसएल की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। संघर्ष करते रहिए, पसीना बहाते रहिए। क्लास एट वालों 11.2 प्रश्न संख्या एक क्या होता है इसको लोग देखते हैं। ये है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होता है। आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए हम भी मान लेते हैं ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। क्या क्या गुण होता है? अब बोलता है, यहाँ बोला है कि ए डी भुजा जो है, यह भुजा जो है वह इसके बराबर है क्या? तो हाँ, तो चूंकि इसका आंसर लिख सकते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ये याद रखिएगा प्रॉपर्टी। इसमें लिखने की कोई जोरी नहीं है, भाषा लिखने की कोई जोरी नहीं था, लेकिन मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, ये भाषा इसलिए लिखा जिसके वजह से आपको ये याद रहे, ये समझ में आए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा जो होती है वो बराबर होता है। इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा? BC। ये एक पहला आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी नंबर, इसको इरेज किया जाए। बी नंबर में बोलता है OA और OC बराबर है, मतलब ये जो विकर्ण है AO और OC, ये जो विकर्ण है, विकर्ण के दो पार्ट्स हैं। आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है? AC और BD, ये होंगे विकर्ण, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते मतलब बराबर भागों, दो बराबर भागों में बांट रहा है इसका। अब यहां पूछा है तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जिसका परिणाम हम लोगों से पूछ रहा है कि बता बाबू कि OA बराबर OC क्या हो सकता है? OA बराबर OC, OA ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा? ये पार्ट क्या होगा? ये बराबर लिखिए, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है वह AC का आधा है, हाफ AC। AC का आधा कौन हो गया? AO, लिखा है, और OC। इसका आंसर आएगा OA बराबर OC बराबर हाफ AC। चलिए अगले प्रश्न उठाएगा सी नंबर। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये भाषा सिर्फ आपके समझाने के लिए लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज की जितनी प्रॉपर्टीज है उतनी सारी प्रॉपर्टीज को अभी समझाना मुश्किल है इस वीडियो में, लेकिन हर एक प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सी इसका हल करते हैं। बोलता है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो किसके बराबर है? ये इसके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा इसको देखते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने, ये इसकी ओर मुख किया हुआ, ये इसकी ओर किया हुआ, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हो गया काम तमाम। इसलिए हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर क्या होगा? एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, ये बराबर हो गए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी नंबर, डी में बोलता है, डी का हल करें। डी बोलता है कि
एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी और एंगल ए बी सी, कुल मिलाकर यह एंगल ए और एंगल बी की बात है। एंगल ए और एंगल बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि आसन कोणों का योग होता है बराबर 180 डिग्री। आसन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। आसन कोण भाई, तो जहां पे दो शीर्ष आपस में मिलते हैं, एक भुजा के दो शीर्ष, तो वो आसन कोण होता है। और उस पर आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, इसलिए आसन कोण में यहाँ कौन कौन आएगा? एंगल ए और एंगल बी। इसका पूरा लिखना चाहेंगे लिखेंगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। इसका वैल्यू कितना होगा? कितना है? 180। लिख दिए 180, आ गया आंसर, लिख दिया आंसर। अगर समांतर चतुर्भुज आपको सही मायने में अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।